असल मकसूद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दे तीन रज़ाई पाइयां दा बयान सी। पिछले खुतबे तुसीं सुनिया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम दी सीरत दा भी एक चैप्टर है कि वह खुश नसीब बंदे जिन्हां ने अल्लाह के रसूल नाल दुध पीता। आप भी वालदा हज़रत आमना सी, उन्हां दा हज़ूर ने दुध पीता, वह माँ सी, मगर होर औरतां जिन्हां दा दुध नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पीता ते नाल दूजियां ने भी पीता, जिस पारों रज़ाई पाई बन गए। और रज़ाई पाई कुरान की नज़र सके भरावां की तरह ही है, जो नसब ना हराम होंदा किसी के पेट चो जमन ना वो ही दुध पीना हराम, वो सारे रिश्ते हराम हो जाते हैं जदों कोई आदमी दो साल की उम्र किसी औरत का दुध पीने, वो इंज हो जाता जिवें उसके पेट चो पैदा हो। तो तिना शख्सियतों का जिक्र मैं किया कि एक तो सईदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे रज़ाई पाई दोहरे, एक सुहैबा का दुध पीता अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अबू लहब की लौंडी का, तो हज़रत हमजा भी पीता। एक जड़े हज़रत हलीमा दा रसूला पींदे सी उस जमाने च, भी हज़रत हमजा उत्थे बनू साथ च एक होर औरत दा पी रहा सी, मगर एक अद्धा दिन बिच हज़रत हलीमा दा भी पीता। इस तो हलीमा पारों और सुहैबा पारों रसूल करीम अलैहिस्सलाम दे दोहरे भाई बन गए हज़रत हमजा। चाचा तो है ही, और चाचे दे नाल ही रिश्ता सी। देखो मैं अपनियां खाला और फूफियां दा नहीं दस सकदा इन्ना जिन्ना रसूल करीम अलैहिस्सलाम दा दस, यानी आसमान दे सूरज की तरह रसूल करीम हुण भी रोशन है, जिंदा है। तुसीं जो चाहुंदे जे आपके बारे मालूम कर सकते, ये खुदा की तरफों चुने होने की अलामत है, वरना कौन जानता साढ़े दादे परदादे चौथी पुछता ही ना नहीं जानते कौन सी कौन। मगर सुभान अल्लाह कुरान जाइए, तद मैं दरूद शरीफ शुरू जरा पढ़िया वह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दा सी, जैसी कि अल्लाह ऐसा दरूद आपते पे ला हद अला वला मुंता, ना उदी को हद आवे ना कोई अखीर आवे, वो अपने खजाना रहमत आप जी फजल करम फरमा, ऐसा रसूल अल्लाह ने। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चाचा भी आमदा भाई भी है, और नाल इस पारों आप दे बाप हज़रत हमदा दे वालिद अब्दुल मुतलब जदों निकाह ली गए अपने लिए, कई बीवियां से उन्होंने, एक दा नाम हाला सी, वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम दी वालदा आमना दी चाचे दी धी भैन सी, यानी बाप दे घर चाचे दी धी भैन है और रसूल दे घर दूसरी, आमना बिनते वहब है और वो हाला बिनते वहैब है, वहब और वहैब दो हैं सके भरा। एक दी बच्ची जड़ी है हाला वो हज़रत अब्दुल मुतलब दे घर है, हमदा दी माँ है, और एक जड़ी है वह आमना और रसूला दे वालद हज़रत अब्दुल्ला दे आई है, जिस चों कायनात दे सरदार फखरे मौजूदात मुहम्मद रसूला सरफरम ने जन्म लिया। तो हमदा रज़ाई पाई, दूसरे रज़ाई पाई रसूल करीम अलैहिस्सलाम दे हज़रत अबू सलमा, ना अब्दुल्ला है मगर उन्होंने एक बच्चे का नाम सलमा सी, जिस पारों अबू सलमा, सलमा दा अब्बा अरबा च एक समझो एहतराम का तरीका सी, सीधा ना लैन की बजाय बच्चे के नाँ से एक ना रख छड़ना, जिमें हज़रत अली रज़ी लोग बुलाते तो अबुल हसन कहेंगे, रसूल करीम अलैहिस्सलाम अदब ना बुलाते अबुल कासिम कहेंगे, कासिम दे अब्बा। तो अबू सलमा कुनियत है बच्चे पारों ना अब्दुल्ला, और इन्हों का भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम ना दोहरा रिश्ता कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की छः फूफियां सी, और उन्होंने छह का ही ना किताबां मौजूद है, हालांकि उन्होंने इस्लाम एक लियाई है हजूर के दौर च, बाकी मर गई, मगर जिक्र नहीं गुम हो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम पारों किवें बेशुमार लोग जिंदा हो गए, बे किसी ना किसी पारों नबी पाक अलैहिस्सलाम ना जुड़ते सी जिंदा हो गए, लिख लै गए कि यार रसूला के बारे अगर आ भी कोई समझना चाहे तेनों पता हो। छे फूफियां जिन्हों चो बर्रा है वह इस अबू सलमा की वालदा, और मैमा हज़रत ज़ैनब बिनते जहश की माँ है, जिसे हज़रत ज़ैनब है जी फिर हजूर की बीवी बनी है, वो अब्दुल्ला बिन जहश है जेड़े अपने मामू हमजा के नाल मैदान है वह शहीद होया, और बाकियों के नक् नहीं काफर ने कट्टे, हज़रत हमजा के कट्टे है तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश के कट्टे। और अबू सुफयान ने आख्या भी ये नौजवान जरा अब्दुल्ला बिन जहश जिड्डा खूबसूरत है, ये नक् कट्टने जुर्म से मगर हमजा का भांडा, इस तो सू तद ठंड पैनी है, यदा भी हुलिया बिगाड़ा जाए, क्योंकि हज़रत हमजा ने शेरे खुदा सी जिन्हें काफिर मारे से दुख से उन्होंने। इस तो अब्दुल्ला बिन जहश रसूला की फूफी हज़रत उमैमा दे बेटे से, बर्रा चे है हज़रत अबू सलमा जेडे नाले फूफी दे लड़के है, और नाल दुध पीता सुहैबा का, इन्होंने भी दुध पीता, जिस पारों अबू सलमा ये भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम दे भाई है।
ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਸ਼ਰੀਕ ਭਾਈ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਮੁਗੀਰਾ ਮਗਰ ਕੁਨੀਅਤ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੂਲਲਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਹਾਰਿਸ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਇਬਨੁਲ ਹਾਰਿਸ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ। ਇਹ ਰਸੂਲਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਰੀਕ ਭਰਾ, ਤਾਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ। ਹਾਰਿਸ ਨਾਮਾ ਜੋ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੱਚੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਆ, ਹਾਰਿਸ ਔਰ ਹਮਾ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰੈਸਰਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਮਾਮ ਔਰ ਹਾਰਿਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਮਾਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਾਰਿਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੋਚ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਿਸ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਤਾਇਆ ਹਾਰਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੁਗੀਰਾ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਇਬਨ ਹਾਰਿਸ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਹਾਕਮ ਮੁਸਤਦਰਕ ਲਿਆਏ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੈਯਦ ਉਸ਼ਵਾਦਾ ਹਮਦਾ ਤੁਮਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਦਊਗਾ, ਮਗਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਮਦਾ ਇਬਨ ਮੁਤਲਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਉਸ਼ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਮਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੈਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਪਾਰੋਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਹਮਦਾ। ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫਰ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਬਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਦਾ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਦੁੱਲਾ ਵਸਦ ਰਸੂਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਮਦਾ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਬੋਝ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸੈਯਦ ਉਸ਼ਵਾਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਯਦ ਉਸ਼ਵਾਦਾ ਹਮਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਕੜਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਵਰਾਜੁਲ ਉਨ ਕਾਮ ਇਲਾ ਇਮਾਮ ਜਾਇਰਨ ਫਾਮਰਹੂ ਵਨਹਾ ਫਕਤਲ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੂਗਾ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕੂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਲ ਜਨਾਇਜ਼ ਅਲਮਾ ਇਬਨ ਅਲਮਾ ਅਲਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅੱਤਾ ਸਿਆਸ਼ਰਾ 19ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਏਜ਼ਾਜ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਣੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ, 19 ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਮਾ ਅਲਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਹਮਦਾ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ 'ਤੇ, ਅਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਲਮਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਖਾਮਦ, ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਰਸੂਲਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦ ਮੇਰੇ ਮਾਵੀਏ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਦਾ ਦਾ ਜਿਗਰ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਬਿਆ ਔਰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਿਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਰਸੀਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਿੰਦ
हज़रत उम्मे सलमा का ना हिंद कोई बुरा ना नहीं हिंदा कहिंदे जिहड़ा भी कोई मौलवी ना हिंदा 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 कोई ना नहीं अरबी जबान जे नाल पढ़नी ना हिंदा जे उर्दू किताबां लिखा तो तौबा कराओ ये बोर्ड में लिखो कि हिंद ना है जो हिंदुस्तान का ना ना हिंद यो ही औरत का ना हिंद ना च कोई बुराई नहीं जिस औरत सारिया खूबियां जमा हो बहुत आला किस्म की औरत उन्होंने अरबी जबान से हिंद किया जाता ना चंगे का भी हो सकता बुरे का अपनी किस्मत है किसी की ना नहीं बुरा तो हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गल पुराण वाली नहीं कि दीन का रास्ता अगर फुलों की सेज हों ना तो जन्नत में आदमी ठंडी सड़क पर चला जाता कार से चढ़ के ये चीज़ा अल्लाह अपने नबियां ते उन्होंने साथियों नसीब करता बहुत दुखों का भरिया रहा कंडे ही कंडे है शबे तारी को बी में मौज गर्दा बे चुनी हायल खुदा आनंद हार है मा सब सारा ने साहेला ये ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह जी पहली गजल का शेर है तो पंजाबी तर्जमे करने वाले ने भी कमाल करती बिल्कुल उदा ही जो फारसी चना उदा ही उर्दू च उन्हें किया रात हनेरी घूमन केरी दरिया ठाठा मारे ओ की जानन सार है साड़ी जेड़े रहन किनारे जेड़े बिच ही नहीं बड़े इस रस्ते के अंदर उन्होंने की पता भी दीन के अंदर किनिया तकलीफा किनिया मुश्किल ये हज़रत उम्मे सलमा तो हज़रत अबू सलमा तो वह बच्चा सलमा पहला अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम दे हुक्म नाल हबशा नूं हिजरत कीती एक बारी वह वतन छड्डिया मक्का मौज़मा छड़ के समुद्रों पार ईसाइयां दे मुल्क जा के रहे फिर उत्थों वापसी हुई फिर मक्के च ज़ुल्म ही वेख्या फिर अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने इजाजत देती मदीने शरीफ नूं लोग चले गए तो पहला जिहड़ा काफिला निकलिया मक्केओं मदीने शरीफ नूं गया वह खामद बीवी अर बच्चा ए रसूला दा रज़ाई पाई अबू सलमा नाले फुफी दे कदर तो मैं सलमा दे नाल बेटा तीन बंदे आ जड़े मदीने शरीफ नूं तुर पै बे मक्का छड़ देना इस शहर च लोग अल्लाह दे दीन ते अमल नहीं करन देंदे मदीना शरीफ चले जाण मगर होया है बे इम्तिहान जिहड़ा सी अगे नालों भी ज़्यादा सख्त हो गया बे हज़रत उम्मे सलमा दे जड़े मापे सी ओह गए उन्होंने जाके आख्या अबू सलमा तेरी मर्जी है तू अगर परदेस दे तके खाने च इदां ही फिरना तो फिरदा फिर असी अपनी बच्ची नूं नहीं जान देना यानी अजमैश ते अजमैश खोह लिया है हज़रत उम्मे सलमा नूं ते नाल ही बच्चे नूं मगर हज़रत अबू सलमा नहीं मुड़े उन्हें आख्या भाई तुसीं खोह के लै जाओ मैं तो हुण हजूर दी इजाजत नाल फैसला कर चुका मदीना शरीफ चले जाना चले गए और जाके कुबा च डेरा ला लिया उत्थे मुसलमान कट्ठे हुंदे जांदे सी उधरों इस अबू सलमा दे मापे पै उन्हें आख्या जे तुसी साडे बच्चे को अपनी धी खो ली है तो असी अपना पोता नहीं रहन दा तौबा 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 ये अपने खानदानी मसले हल करते फिर उन्होंने इम्तिहान पाई जान भी खामन किते चला गया इन्हें जाके बच्चा सलमा खो लिया हुण माँ किधरे बाप किधरे बच्चा किधरे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला रोज़ाना उस जगह से चली जाना जिथे बच्चा खोया सी जिथों हज़रत अबू सलमा जुदा होया सी सारा दिन रोंदी रहना शाम नूं आ जाना तीला हो गई सुक गई अखीर काफिरां नूं तरस आया उन्हें आख्या यार बेचारी मर्द मुकी जुल्म ना करो एडा बच्चा भी इहनूं दे दिओ बच्चा देता फिर मुड़ के कहणगे इहनूं इजाजत दिओ जिधर जाना चाहुंदी जाण दिओ ना ज्यादती कर हुण अंदाज़ा करो बैस जमाने च इन्नियां सहूलतां सड़कां बणियां राज खाण पीण दे भी होटल बणे ते फिर भी रस्ता किन्ना दुशवार गुजार है मदीना उस जमाना जो सहरा ते जंगल ते ब्याबान हज़रत उम्मे सलमा ने बच्चा फड़िया मदीने शरीफ टर बजाना है मक्के च रहन का कोई स्वाद नहीं रहा यह शहर जरा इस लैक ही नहीं भावें इतने अल्लाह का घर है जिते दीन ते अमल नहीं कर देंगे नहीं मदीना मनोरा पर रब ने सबब बनाया जिसे निकलियाँ तो उस बैतुल्ला शरीफ का मुतवली कुंजी बरदार उस्मान बिन अबी तलहा और काफिर जरा सी मिलया उन्हें वेख्या उम्मे सलमा जान रही हैगी सरदारा की चीज जिस खानदान चो अबू जहल आया हज़रत खालिद इब्ने वलीद बनू मखज़ूम ये बड़ा वड्डा सरदारा का खानदान सी मक्के और रसूल करीम अलैहि सलाम की अपनी असली दादी जी अब्दुल मुतलब की बीवी है फातिमा वह भी इन्हों की धी थी इस तो तीन बच्चे जड़े अब्दुल्ला अबू तालिब और जुबैर यह तीन उहदे चो पैदा होए सी फातिमा चो बड़े इन्हों आला बच्चे गिणा जाता सी बे वड्डी खानदानी औरत चो पैदा हो उन्हें वेख के भी अबू उम्मे सलमा कली जा रही
हज़रत उम्मे सलमा रज़ी बाद फरमाउंदियां ने मैं इदां दा शरीफ काफिर कोई नहीं वेखिया, बेशक कोई इस्लाम नहीं सी लिया मगर जो मैनू वेख्या तो उन्हें ऊंट दिता बठा गोडा बनया आप परां चला गया। मैं सवार हुई फिर आके उन्हें गोडा खोलिया महार फड़ ली आप नहीं सवार होया। इसे तुम तो वेंदे ना मर्द औरत मुख्तलिफ अजन आँदे उन्हें रोशन ख्याली दल समझी कंजर पुणे का ना तरक्की कर लिया कुड़ियाँ मुंडे जफ्फियाँ पा के नचन डे तरक्की वो काफिर सी नहीं ऊंट से सवार नहीं होया ये मेरे लिए गैर महरम है मेरा बदन चू महार फड़ के तुरया रहा और रोनिया जिथे मैं उतरन का इरादा किया उत्थे उन्हें ऊंट बठाता तो गोडा बनया आप दूर चला गया। मैं उतरी हाँ जन्ना चर चाहे आराम किया मुड़ के फिर उन्हें आके ऊँ इस तरह सफ़र करा जो मदीना शरीफ के कोल कुबा नज़र आई आबादी उन्हें आख्या लै उम्मे सलमा आ मुसलमाना का डेरा ही उत्थे तेरा खाउंद है मेरे वो मुखालिफ है मैं हूँ उत्थे नहीं जाना मैं वापस जा रहा तू चली जा। ये फिर जाके अपने खाउंद नाल मिल गई किन्नी मुद्दत के विछोड़े बाद बच्चा बाप और माँ इकट्ठिया हुई मगर ये सारिया शायद लोगों ने इस तरह उस बर्दाश्त की जिमें असी आराम ना शहद का कुट पीने हाँ ऐसी लज़त आँदी सी उन्होंने खुदा के दीन लिए दुख उठाते हैं कि कुछ नहीं ये फानी दुनिया अगर इतने दुख तकलीफा कोई शह नहीं अल्लाह राजी हो जाए होर कोई शह नहीं सानू चाहिए खुदा राजी होवे क्याम का दिन आए तो इन्नी गल है अल्लाह कह दे उस कलमा तुम ला ला पढ़ते मगर माना की है हा?